एलोवेरा हमारी स्किन में कोलेजन को बूस्ट करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, एलोवेरा कॉम्प्लेक्शन को भी फेयर करता है। अगर स्किन पर एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम हो तो एलोवेरा के इस्तेमाल से वो भी सॉल्व हो जाता है। मिंट यानी पुदीना, इसमें मौजूद होता है मेंथॉल और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारी स्किन को क्लीन करते हैं, हमारी स्किन को टोन करते हैं। किसी किस्म का कोई दाग धब्बे निशानात का मसला हो, एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम हो, पुदीने के इस्तेमाल से बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन इवन नहीं है, पुदीने का इस्तेमाल तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आज जो फेस वॉश मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें इन्हीं दो चीज़ों का मैं इस्तेमाल करूँगी, एलोवेरा और पुदीना। दोनों ही चीज़ें आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं। इन दो चीज़ों के साथ और भी जिन चीज़ों का मैं इस्तेमाल करूँगी, वो सारी ही चीज़ें आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। कॉम्प्लेक्शन आपका फेयर होगा, दाग धब्बे निशानात बिल्कुल साफ हो जाएंगे, एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम अगर हुआ तो वो भी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एड हना। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एलोवेरा और पुदीने का फेस वॉश। तो चलिए चल के देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। देखिए, इसको प्रिपेयर करने के लिए मैंने दो एलोवेरा के लीफ ले लिए हैं। इसको अच्छी तरह से हम साफ कर लेंगे, साइड्स इसकी रिमूव कर लेंगे और इस तरह से दोनों पीसेस को हम काट लेंगे। रफली आप इनको काट लीजिएगा क्योंकि हमें इसको आगे जाके ग्राइंड करना है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है पुदीना, ये पूरी एक गड्डी पुदीना मैंने अच्छी तरह से साफ करके धो के रखा हुआ है। अब आप मिक्सी का जग लेंगे, उसमें ये आप पुदीना और जो ये आपने एलोवेरा काट के रखा है ये दोनों ऐड कर देंगे और बिल्कुल थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है वरना ये बिल्कुल पतला हो जाएगा, बस इतना पानी जिससे ये दोनों चीज़ें आसानी से ग्राइंड हो जाए आप इसमें ऐड कर लीजिएगा और इसको ग्राइंड कर लीजिएगा। ग्राइंड करने के बाद आप इसको स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे। देखिए यहाँ पर ये मैंने इसको छान लिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे हाफ लेमन का जूस। देखिए लेमन हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, कॉम्प्लेक्शन को फेयर करता है, हमारी स्किन को इवन टोन प्रोवाइड करता है, दाग धब्बे निशानात को साफ करता है। अगर एक्ने पिंपल के मार्क्स हो या आपके स्किन पर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो उसको भी साफ करने के लिए लीमू बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बहुत से लोग सोचते हैं कि लीमू स्किन को नुकसान करेगा। देखिए अगर डायरेक्ट आप लीमू को लेके अपने फेस पर रगड़ेंगे तो वो आपको ज़रूर नुकसान करेगा, लेकिन अगर रेमेडीज़ में मिला के आप यूज़ करेंगे तो लीमू बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता, ना ही स्किन को और ना ही बालों को। अब इसमें आप ऐड कर देंगे एक वाइटनिंग कैप्सूल। वाइटनिंग कैप्सूल भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, कलर को फेयर करते हैं, तो यहाँ पर आप वाइटनिंग कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डल है तो मुख्तलिफ रेमेडीज़ में मिला के आप वाइटनिंग कैप्सूल का ज़रूर इस्तेमाल किया करें। वाइटनिंग कैप्सूल कलर को भी फेयर करते हैं और अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके स्किन पर कोई भी मार्क्स होंगे वो भी आपके रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लेंगे। अब जो अगली चीज़ आप इसमें ऐड करेंगे वो है फेस वॉश। देखिए जो भी फेस वॉश आप यूज़ करते हैं उसके सिर्फ 2 टेबलस्पून आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। आप यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऐड करके फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद आप किसी बॉटल में भर के इसे रख लेंगे। इसे आप फ्रिज में रख के यूज़ कीजिएगा, बाहर रख के यूज़ नहीं कीजिएगा। फ्रिज में रख के अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो ये 1 महीने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। रिजल्ट्स इसके इतने अमेजिंग हैं, आप इसे जब भी यूज़ करना हो थोड़ा सा फेस वॉश लें, अच्छी तरह से अपने फेस पर लगाएँ, 2 से 3 मिनट अपने फेस की आप मसाज करें, उसके बाद अपने फेस को आप वॉश कर दें। आप देखेंगे इंस्टेंट आपका कलर फेयर होगा, क्योंकि देखें एलोवेरा हमारे कलर को फेयर करता है, पुदीना हमारे कलर को फेयर करने के लिए, दाग धब्बे निशानात को साफ करने के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एलोवेरा आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा। उसके साथ आपने यूज़ किया है यहाँ पर लेमन और वाइटनिंग कैप्सूल, ये सारी ही चीज़ें कॉम्प्लेक्शन को फेयर करती हैं, तो ये फेस वॉश आपके कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसको आप यूज़ करें, हर मेंबर घर का इसको यूज़ कर सकता है, बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे घर के मर्द हजरात हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो कि स्किन को नुकसान करे। सारी ही चीज़ें आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है। ये चीज़ें आप यूज़ करेंगे अगर रेगुलर अपनी स्किन पर, आप देखेंगे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी, आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा, आपकी स्किन पर जो भी दाग धब्बे होंगे वो भी साफ़ होना शुरू हो जाएंगे। तो ये रेमेडी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स में फैमिली में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।